ये पत्थर देख रहे हैं आप स्तूप से पहले, ये बीचों बीच पत्थर है एक, और ये देखिए ये इतना बड़ा पत्थर, और अंदर से देखिए इसमें पूरा खाली है। ये देखिए इतना ऊंचा है, और ये देखिए ये, और ये देखिए इसके, ये देखिए आकार देख सकते हो, ये ऐसे ही सारे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल पर और हाजिर एक मिनी ब्लॉग के साथ। तो आज हम आए हैं विराट नगर, जो कि जयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है और अलवर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर बना हुआ महात्मा बुद्ध का एक मठ, और जिसे मिस्ट्री कह सकते हैं। तो हम आ चुके हैं, चलते हैं आपको लेके। ये गया है यहाँ से रास्ता ऊपर जाने का, और इसे बिजिक पहाड़ी कहा जाता है, बिजिक डूंगरी। ये देखिए पहाड़ी का अर्थ होता है बिजिक डूंगरी। तो ले कर चलते हैं आपको ऊपर, ये देखिए दिखाते हैं आपको। और ये अमरावली की पहाड़ी के विराट नगर में स्थित है ये। आने के लिए आपको लोकेशन में एड्रेस दे दिया जाएगा। और ये देखिए चलते हैं आपको लेके महात्मा बुद्ध, बस चलते हैं ऊपर। और ये देखिए इसमें बोर्ड लगा हुआ है, यह स्मारक प्राचीन स्मारक स्थल अवशेष राष्ट्र घोषित किया गया है, इसे कोई भी इसका नहीं। ये देखिए चलते हैं आपको लेके ऊपर। विराट मंदिर एक फ्राइस्टेटिंग बौद्ध मंदिर एक चैत्य शहर विराट नगर राजस्थान के भारत के दक्षिण पश्चिम में एक मील की दूरी पर स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से बीजक की पहाड़ी कहा जाता है। मंदिर एक गोलाकार प्रकार का है जो एक केंद्रीय स्तूप सा बना है, जो एक गोलाकार स्तंभ और एक संकल्प दीवार से घिरा हुआ था, और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के समय में बनवाया गया था। और इसके पास अशोक के दो लघु शिला लेख बैराट और कलकत्ता बैराट लघु शिवालेख पाए गए। ये पत्थर देख रहे हैं आप स्तूप से पहले, ये बीचों बीच पत्थर है एक, और ये देखिए ये इतना बड़ा पत्थर, और अंदर से देखिए इसमें पूरा खाली है। ये देखिए इतना ऊंचा है, और ये देखिए ये, और ये देखिए इसके, ये देखिए आकार देख सकते हो आप, ये ऐसे ही सारे पत्थर हैं। देखिए ये सारों में छेद हो रखा है। ये देखिए अरावली बीजक डूगरी पहाड़ी को डूगरी कहते हैं, डूगरी। ये देखिए ये ऊपर स्तूप, तो पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ से गुफा, ये पैरों के निशान देख सकते हैं आप, और नीचे छोटी सी सुरंग पहाड़ी के। और ये देखिए ये ऊपर माता का मंदिर, और ये देखिए ये देखिए आप पहाड़ी का सुंदर नज़ारा। ये देखिए हम पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं, बिजक पहाड़ी डुगरी के पहाड़ी कहा जाता है। और ये देखिए कितना हरियाली है पहाड़ी के ऊपर, और ये है वो महात्मा बुद्ध। ये देखिए चलते हैं आपको लेके। तो गाइस कैसे काफ़ी दिनों के बाद, ये देखिए, और ये इसके पत्थर, ये स्तूप है महात्मा बुद्ध रहस्य। और ये गेट बंद है, और ये देखिए ये इसकी प्राचीन महत्व, देश की राजधानी बैराट, ये बैराट विराट नगर की राजधानी हुआ करती थी। इसकी स्थापना राजा विराट ने की थी। इसके राज्य में पांडवों ने अपना अज्ञातवास 13वां वर्ष बिताया था। यहाँ पर ही पांडवों ने 13वां साल गुजारा था। अशोक के दो शिलालेखों तीसरी शीत में प्राप्तिकरण प्रसिद्ध सन 1935-36 में ईवी में बीजक की पहाड़ी पर कराए गए। पुरातन उत्खंड फलस्वरूप पक्कीटों का बनाई है मौर्यकालीन क्षेत्र करें, व्यास 8.23 मीटर, जिसमें एकांत से 26 लकड़ी अष्टकोणीय लकड़ी के स्तंभ पर भी लगे हैं। प्रकाश में आया पढ़ सकते हो आप पूरा। और ये देख देखिए ये बना हुआ, ये देख सकते हैं अमरावली की पहाड़ी पे।
ये देखिए, ये देखिए। पांडवों को 13 साल का वनवास मिला था, तो 12 साल उन्हें जंगल में घूमना था और 1 साल अपनी पहचान छुपा के रहना था। तो उसके बाद ये यहाँ पे आए थे अज्ञातवास में, जो इनका दोस्त हुआ करता विराट राजा, तो वहाँ पे आए थे और हम आज आ चुके हैं और ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसका डिजाइन देख सकते हैं आप, घड़ी के आकार का है। ये देखिए चारों तरफ से एक समान। ये देखिए ये नीचे से अभी ऊपर भी है, ऊपर भी चलेंगे। ये देखिए पूरा घड़ी का आकार है ये देखिए। देखिए चारों तरफ से घड़ी के आकार बना हुआ है ये देखिए, ये देख सकते हैं। फिर लेके चलते हैं आपको ऊपर पहाड़ी, ये देखिए और ऊपर है रास्ता, वहाँ से चलेंगे हम। ये देखिए इसके अंदर भी आ गए हैं, ये देखिए। यहाँ से बनी हुई हैं पैड़ियाँ जो जाने वाले हैं। ये वैसे ही पत्थर हैं, मैंने जैसे पहले कहा था ये पत्थर यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखिए इसके नीचे रास्ते बने हुए हैं, ये देखिए। और चलते हैं आपको लेके ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया इसके बिल्कुल ऊपर। ये देखिए, ये देखिए स्मारक बनी हुई है। देख सकते और ये देखिए एक और अद्भुत नज़ारा, एक नहीं चार पहाड़, एक के ऊपर एक पहाड़। और ये देखिए इसके बीच में से गया हुआ रास्ता, ये देखिए पहाड़ के ऊपर पहाड़, वाह। ये देखिए ये एक और अद्भुत, ये देखिए आप, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मेरे पीछे, ये देखिए पहाड़ के ऊपर पहाड़ है, ऊपर देख सकते हैं 1 2 3 4, एक पहाड़ के ऊपर 4 पहाड़। ये देखिए ये देखिए छोटा सा पहाड़ के ऊपर पहाड़, और यहाँ पत्थर अलग किस्म के पहाड़ हैं। वो दिखाते हैं आपको और एक अलग चीज़ कैसे हो आप। व्लॉग पूरा हो चुका है और जिसको वीडियो पसंद आई वो लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि हम और अच्छे अच्छे व्लॉग आते रहें। ये इंटरेस्टिंग व्लॉग था, महात्मा बोंद की हिस्ट्री आपको सब कुछ बता दी गई है। तो आप व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।